प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रोटेस्ट कर रहे किसानों पर जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाकर किसानों को कुचल दिया, उसके बाद देश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। आपको बता दें कि जो विपक्ष है जो है योगी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। उसी दौरान मृतकों के घर पर प्रियंका गांधी जाने के प्रयास करती है तो प्रियंका गांधी को अरेस्ट भी किया गया था, और इसको लेकर कांग्रेस पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करी। इसके अलावे कई संगठन जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी को कस्टडी में लिया गया उसको लेकर कांग्रेस हर जगह प्रोटेस्ट कर रही है, और बक्सर में सदर विधायक भी खुद थाने में बैठ करके प्रोटेस्ट किया और सरकार से यह मांग करी कि इस तरीके से आप विपक्ष की आवाज़ को दबा नहीं सकते। जो किसानों पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जुल्म किया गया है और उस जुल्म के खिलाफ किसानों के जले हुए घाव पर मरहम लगाने के लिए जा रही हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी के साथ जो पुलिसिया जुल्म उत्तर प्रदेश में किया गया है उसके खिलाफ हम सब उन्हें कि उनकी गिरफ्तारी अविलंब रिहा करने के लिए हम सबों ने कांग्रेस जन ने निर्णय लिया तो उस गिरफ्तारी के खिलाफ में हम लोग भी अपनी गिरफ्तारी बक्सर जिला के मॉडल थाने में दर्ज कर। इसके अलावा बक्सर में आयशा के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रतिरोध मार्च किया। कुल मिलाकर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, चाहे छात्र हो, नौजवान हो या कोई विपक्षी दल हो, सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से यही कह रहे हैं कि किसान के जो मांग है वो जायज है, आप किसानों के साथ इस तरह से ज्यादती नहीं कर सकते हैं। सत्ता में आने से पहले बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आज दूसरा कार्यकाल चल रहा है नरेंद्र मोदी सरकार का, लेकिन अभी तक किसानों की आय दुगनी नहीं हुई बल्कि किसानों पे कई कानून थोपे जा रहे हैं जिसको लेकर किसान एक साल से ज़्यादा से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार उनकी नहीं सुन रही है और इसीलिए जो किसान आंदोलन है उग्र होते जा रहा है, अलग अलग राज्यों में फैलता जा रहा है। और आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव है तो किसान ज़्यादा आक्रामक है, ज़्यादा बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके प्रोटेस्ट को दबाने के लिए कई हथकंडे अपना रही है। वहीं नेताओं की सनक आप देख सकते हैं कि उनके बेटे उनके ऊपर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं और विपक्ष बार बार कह रहा है कि सरकार जो है किसानों की नहीं सुन रही है, जनता की नहीं सुन रही है। हर वो आवाज जो सरकार के खिलाफ उठते हैं उसको दबा दिया जाता है, उसको पाकिस्तानी बताया जाता है, उसको खालिस्तानी बताया जाता है और विरोध करने वाले लोगों को देशद्रोही बताया जा रहा है। ये बेहया सरकार है, बेसर्व सरकार है। 14 में जो वादा किया था भारत की जनता के साथ, बेरोजगारी को कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, लेकिन वो बेतहाशा महंगाई, वो बेतहाशा बेरोजगारी आज देश के चरम सीमा को पार कर रही है। जिसका खामियाजा यहाँ के बेरोजगार, जिसका खामियाजा यहाँ के किसान, जिसका खामियाजा यहाँ के व्यवसायी, जिसके खामियाजा यहाँ के छात्र छात्राएं जिस तरह से महसूस कर रही है अपने को ठगा, ये बेशर्मी और नीलज और बेहया सरकार है। इन मोदी जी को और तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।